आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं गंगा स्नान के लिए। सारा जो है काम क्रिया जो है खत्म हो गया है, तो सब ने कहा कि चलो पहले गंगा स्नान कर लेते हैं, क्योंकि साल भर की पूजा पाठ जो है वो बंद थी। तो दोस्तों आगे ब्लॉग में हमारे बने रहिएगा, देखते हैं हम क्या क्या सूट कर पाते हैं और जितना हो सकेगा सूट करके आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रोड की तरफ, जहाँ से हम लोग ऑटो लेंगे और उसके बाद स्टेशन पहुँचेंगे। बैठो तो अभी हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं और हम लोगों के ट्रेन से जाने की वजह ये है कि बच्चे कभी ट्रेन में चढ़े नहीं हैं, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इस बार ट्रेन से मनिहारी जाएंगे। और स्टेशन पे देखिए हम लोग सब पहुंच गए हैं। पानी वगैरह तो हम लोग घर से लेके आए थे, तो अभी प्यास लग गई है क्योंकि धूप काफ़ी है। और स्टेशन जो है यहाँ के स्टेशन की जो है झाल मुड़ी बहुत फेमस है, बहुत फेमस। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि ट्रेन आने से पहले जो है झाल मुड़ी लेकर आ जाऊँ, और अगर खा सकूँगी तो ठीक है, नहीं तो ट्रेन में बैठ के ही खाएंगे क्योंकि ट्रेन तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी अभी। तो यहाँ देखिए एक ठेला वाला जो है काफ़ी भीड़ लगी हुई है, तो मैं भी यहाँ बोल जो है झाल मुड़ी बनवाने जा रही थी और जल्दी से मैंने कहा कि भैया जल्दी बना दो, ट्रेन जो है हमारी आ गई है। अगर ट्रेन निकल गई तो फिर हम लोग आज जा नहीं पाएंगे, और ट्रेन यहाँ बहुत देर जो है स्टॉपेज नहीं है, 10 से 15 मिनट यहाँ ट्रेन रुकेगी फिर यहाँ से निकल जाएगी। और देखिए हमारी ट्रेन भी आ गई है। कहाँ पे? जगह नहीं है। तो ट्रेन में हम लोग सब लोग बैठ गए हैं, तो अभी जिसको जहाँ जगह मिल गया है वहाँ बैठ गए हैं, क्योंकि थोड़ी दूर जाने के बाद एक दो स्टेशन के बाद जो है ट्रेन जो है पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। तो ये देखिए अभी ट्रेन तो लगभग भरा हुआ है। और यहाँ मैं आ गई हूँ गेट के पास, तो यहाँ पर मैं खड़ी हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है ट्रेन में, तो फिर भी मैं खड़ी थी यहाँ पे, हस्बैंड खड़े थे। तो ये देखिए चारों साइड क्या दोनों ही साइड जो है जगह जगह पे गांव बसे हुए हैं और जगह जगह पे जो है खेती हो रखी है, तो इतनी ज़्यादा हरियाली देख के तो मन खुश हो जाता है। और बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत टाइम के बाद जो है हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, और ये देखिए जगह जगह में लोग खड़े थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ देख के। और भुट्टे की खेती तो अभी बहुत जगह, मतलब कि प्रायः भुट्टे की खेती हो रखी है यहाँ पर। देखिए दूर दूर तक आपको भुट्टे की खेती नज़र आएगी, कुछ कुछ जगह में गेहूँ लगे हुए हैं, तो ये खेती वाला इलाका है तो खेती तो होती ही रहेगी, और सारा ही रास्ता खेती हो रखी है। और देखिए सभी जिसको जिसको जहाँ जगह मिला है सब लोग वहाँ वहाँ बैठ गए हैं अभी। तो जब ट्रेन जो है खाली हो जाएगी एक दो स्टेशन के बाद, तो फिर हम लोग एक जगह बैठेंगे। तो अभी भी वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे लोग को बड़ा मज़ा आ रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, सबको बड़ा आनंद आ रहा है और बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं। पूरा बगान ही लगा सही मंजर है गैस में अभी। तो गंगा स्नान करने का कोई रीज़न था क्योंकि सासू माँ की एक साल की बरसी जो होती है वो बरसी का काम था, तो काम ख़त्म होने के बाद सब लोगों ने कहा कि गंगा स्नान कर लेना चाहिए क्योंकि एक साल की पूजा पाठ बंद थी। इसी वजह से हम लोग जो है सब लोग जाने के लिए रेडी हुए थे और सब एक साथ थे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना ये काम भी कर लिया जाए। और ये देखिए मैंने जो झाल मुड़ी ली थी वो हमारे पास बची हुई थी, हम खा नहीं पाए थे, तो अभी मैं खा रही थी बैठे बैठे, और तब तक मैं हम लोग पहुँच गए पूर्णिया स्टेशन। और यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉपेज रहती है, और ये देखिए मेरी बेटी खेलते कूदते इतनी थक गई है और इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा रास्ते पर वोमिटिंग की है कि अभी ये चुपचाप बैठी है। और ये अभी हम लोग पहुँच गए हैं कटिहार स्टेशन, और कटिहार स्टेशन से निकलने के बाद जो है थोड़ी दूर पड़ती है मनिहारी स्टेशन। तो देखिए हम लोग मनिहारी स्टेशन भी पहुंच गए हैं, और स्टेशन से जस्ट 5 मिनट की रास्ता है,
और यहाँ हम लोग पहुँच गए गंगा तट पर। तो यहाँ भी अभी कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा काम हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे ये जगह बहुत फेमस हो रही है। तो यहाँ लोग हज़ारों की संख्या में जो है गंगा स्नान के लिए आते हैं। तो यहाँ आते हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 3 से 3:30 के लगभग बज गए थे। तो देखिए सूरज ढलने को ही है। तो हम लोग घर से लेट ही निकले थे क्योंकि पता था कि शाम में रिटर्न में इधर से ट्रेन है। तो यहाँ अभी हम लोग पहुँच गए हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पे जगह थोड़ी अच्छी हो जहाँ की चेंजिंग के लिए सुविधा हो सके कि नहाने के बाद, और कहाँ घाट अच्छा है। तो गंगा किनारे बहुत दिनों के बाद आई थी तो बहुत ही सुकून मिल रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था। और ये गंगा का तट जो है, तो ये देखिए नदी में जो स्टीमर चल रहे हैं, जो बड़े बड़े नाव होते हैं, लोग स्टीमर में बैठ के गंगा में घूमने का मज़ा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर बड़ी बड़ी जो जहाज़ होती है वो आती है, जिस पर कि कम से कम 10 से 12 ट्रक एक बार में लोडिंग होती है। और यहाँ से दूसरे इलाके जहाँ की रोड का संसाधन जो है काफ़ी दूर होता है, इसी वजह से जो है यहाँ पर जहाज़ के द्वारा ही ट्रक आती और जाती है जिस पर माल लोड रहते हैं। तभी अगर आएगा तो संयोग से अगर आया वो जहाज़ तो मैं ज़रूर आप लोगों से दिखाऊंगी। तो यहाँ बच्चे लोग सब जो है नहाने के लिए निकल पड़े थे और डर भी काफ़ी लग रहा था क्योंकि काफ़ी पानी है। ये गंगा माता है हमारी, लेकिन गंगा माता की गहराई भी तो काफ़ी होती है कि पानी देख कर थोड़ा डर लग ही जाता है। देखिए किनारे में ही काफ़ी पानी है और यहाँ पे बांस के जो है खूंटी गाड़ दिया गया है ताकि लोग जो हैं उस खूंटी के उस पार ना जाएं क्योंकि उधर काफ़ी गहरा है जगह और काफ़ी गहराई में पानी है। तो बच्चे लोगों को पहले हम लोगों ने सोचा कि बच्चे लोग पहले नहा के आ जाए, फिर उसके बाद जो है हम लोग बड़े लोग जो है नहाने के लिए नदी में उतरेंगे। तो ये देखिए मेरी छोटी बेटी फर्स्ट टाइम लाइफ में पानी में उतरी थी और मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि 3-3 बच्चे थे, एक आदमी था। तो बच्चे अक्सर बदमाशी करते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी चली जाऊँ और पहले उन लोगों को नहला के एक एक करके फिर ऊपर कर दूँ। और पानी में जाने के बाद सच में मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था, निकलने को दिल ही नहीं कर रहा था और फिर डर भी लग रहा था। जो जहाज़ आते और जा रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था पानी में इतना धक्का लग रहा था कि आप एक जगह स्थिर खड़े ही नहीं हो पाओगे। तो जहाज़ सब जो देखे नौका है, ये छोटी छोटी नौकाएँ हैं जिस पर लोग इस पार से उस पार जा रहे हैं, कोई घूमने के ख्याल से जा रहा है तो कोई काम की वजह से जो है इस किनारे से उस किनारे आ जा रहा है। तो इस वजह से भी पानी के जो टकराव थी बार बार होती थी, तो इससे लग रहा था कि हम लोग एक जगह खड़े ही नहीं हो पाते थे। खड़े होने के बाद ऐसा लग रहा था हम लोग पीछे घसक रहे हैं, बड़ी डर लग रही थी। फिर बच्चों को नहलवा के निकलवाया जल्दी से क्योंकि शाम भी हो रही थी, ठंड भी लग रही थी, नदी किनारे में तो ऐसे भी ठंड लगते हैं। और यहाँ पे हवाएं चल रही थी और शाम होने को था, तो लेकिन फिर भी लोग काफ़ी थे, काफ़ी लोग जो है यहाँ अभी भी जो है गंगा स्नान कर रहे थे। और गंगा नहाना चाहिए, मतलब कहते हैं गंगा में नहाने से लोग पवित्र हो जाते हैं, ऐसी गंगा माता की जो है महिमा होती है। और हम लोग को यहाँ से गंगा जल भी लेना था तो इस वजह से भी हम लोग आए थे, क्योंकि आप सबको पता है कि हिंदू धर्म में गंगा जल का कितना महत्व है और गंगा जल में ऐसी क्या चीज़ें हैं। आप नॉर्मल पानी घर में रखो वो ख़राब हो जाती है, पर गंगा जल आप सालों साल रख लो वो कभी ख़राब नहीं होती है। गंगा माता की महिमा है ये, तो गंगा मैया में जो है स्नान करनी चाहिए। और हमें यहाँ करनी थी गंगा पूजा, तो जिसके लिए हम लोगों ने कुछ सामान लेकर आया था। तो ये देखिए गंगा में सबने कहा कि डुबकी लगाओ, मैंने तो कभी डुबकी लगाई ही नहीं थी। मैं गंगा में गई जरूर थी, जस्ट किनारे से नहा के चली आई थी, कभी इस तरह से पूरी जो है गंगा में गई नहीं थी। तो यहाँ पे हम लोग पूजा पाठ करने के बाद जो है गंगा में डुबकी लगाएंगे। और मुझे तो बहुत डर लग रहा था, फिर भी हाथ पकड़ पकड़ के मैंने कम से कम 7 डुबकी लगाई थी। और उसके बाद जो है फिर हम लोग, मैं बाहर निकलने को ही आई थी कि बड़ी बेटी बोली मुझे भी नहाना है। तो नहाना तो एक्चुअली सबको था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसके साथ भी रह लूं, ये तो फिर बाद में बोली कि तुम लोगों ने नहाना आके निकल गया फिर हमें छोड़ दिया अकेला। ये देखो खूंटी के पास भी काफ़ी पानी है,
और खूटी के उस पार जाना तो मना ही है हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है पुलिस वाले जो भैया हैं वो भी गाड़ी में हैं, क्योंकि अक्सर दुर्घटनाएं घट जाती हैं, लोग मजाक मजाक में जो है थोड़ी ज़्यादा पानी में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस वाले भैया बार बार सबको मना कर रहे थे कि वो खूटी के उस पार ना जाएँ, और जिनको नहाना है अब शाम हो रही है, जल्दी से नहा के निकल जाएँ। तो इस तरह से हम लोगों का गंगा पूजन भी हो गया, हम लोगों ने गंगा में जल अर्पित कर दिया है और गंगा किनारे की पूजन बाकी है तो वो भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ से ही हमारा पूजा पाठ का जो है काम अब जो है शुरू हो जाएगा। अब से हमारे जितने सारे पूजा होंगे तो सब हम लोग अब कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए बहुत शाम होने को चला है, लगभग 5 बजने वाले हैं और अभी भी काफ़ी भीड़ है गंगा में नहाने के लिए। और छोटे छोटे यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं उन लोगों को तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, वो तो बार बार जा रहे हैं आ रहे हैं। तो गंगा में नहा के सच में बहुत मज़ा आ गया, और हवा बहुत तेज़ चल रही थी और ठंड भी काफ़ी लग रही थी यहाँ पर गंगा में। तो ये देखिए ये वही जहाज़ है जिसकी मैंने अभी बात की है। तो देखिए इस पर 10 से 12 ट्रक कम से कम है, तो ये 2 लाइन में ट्रक लगी हुई है और ये सारे माल जो है झारखंड से इधर आए हुए हैं, क्योंकि रोड का रास्ता जो होता है बहुत लॉन्ग रूट पड़ जाता है, इसलिए जो है माल इसी जहाज़ पर आते हैं। और ये सभी अभी जो है खाली हो जाएंगे, नीचे चली जाएगी और जो ट्रक में है लदा हुआ इधर, फिर सब लोडिंग होंगे फिर जाएंगे। तो और हम लोग यहाँ कर रहे थे गंगा पूजन, तो जब वो जहाज़ आई थी पानी का लहर जो था इतना ज़्यादा टकराव था पानी में कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, और इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि दिए भी नहीं जल रहे थे हमारे। फिर किसी तरह हम लोगों ने दिया वगैरह जला के पूजा पाठ किया हम लोगों ने, और पूजा पाठ करने के बाद जो है सब लोग एक एक करके स्नान किया। और देखिए गंगा मैया सूर्य देवता भी जो है अस्त होने को आए हैं, और गंगा में नहाने के बाद हम लोग सब जो है बाहर निकल रहे हैं। और गंगा में सब निकलने को ही तैयार नहीं थे, सबको बड़ा मज़ा आ रहा था, एक साथ थे हम लोग तो सब बहुत मस्ती कर रहे थे गंगा में नहा के। तो यहाँ देखिए बड़ी बेटी मेरी नहाने को मतलब अंदर जाने में उसको डर लग रहा था, तो सब पकड़ पकड़ के एक दूसरे को नहा रहे थे, और फिर हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो वगैरह खिंचवाए। तो यहाँ सब लोग नहा धो के रेडी हो गए थे, सब लोगों ने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। और कहते हैं कि जब भी कभी आप ऐसे जगह में जाओ तो वहाँ सिंदूर खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, तो मैंने सबके लिए यहाँ सिंदूर खरीदा और चूड़ी वगैरह खरीदी, कुछ ना कुछ लेके आना पड़ता है। तो ये रहा पूरा गंगा का दृश्य, देखिए कितनी लंबी चौड़ी है, इस पार से उस पार आपको जो है पानी ही पानी दिखेंगे, घाट तो कहीं दिखता नहीं है। और ये बड़े वाले स्टीमर थे, और यहाँ आने के बाद पता चला कि हमारी ट्रेन जो है रात के 10 बजे है। तो देखिए हम लोग ट्रेन में अभी बैठे हुए हैं, रात के 10 बजे ट्रेन खुलेगी, और ट्रेन खुलने के बाद जो है हमें घर पहुँचते पहुँचते रात के 2 बज गए हैं। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले ब्लॉग।